सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नरसी जी नाम के एक भक्त थे। नरसी जी का जब जन्म हुआ तो नरसी जी अंधे थे। नरसी जी की माँ और नरसी जी के पिता दोनों ही मर गए। नरसी जी अपनी भौजाई और अपने भाई और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अंधे थे तो दादी को बड़ी चिंता थी, हे भगवान मेरा बुढ़ापा है, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे का कौन पेट भरेगा, भाई भौजाई कब तक साथ देंगे, कितने दिन अपने पास रखेंगे, कौन संगी बनेगा, कौन साथी बनेगा। तब वो मंदिर ले जाती नरसी को और वहां साधु संतों से हाथ जोड़कर कहती, बाबा ऐसी कृपा करो ये छोरा बोलने लग जाए। अच्छा, नरसी जी अंधे भी थे और गूंगे भी थे, बोलना भी नहीं आता था। नरसी जी को लेकर जाती साधु संतों के पांव पड़वाती, बेटा इनके पांव छुओ, चरणों में लिटाती, चरणों में। एक बार एक साधु जी बैठे ध्यान मग्न थे, वो माँ दादी अम्मा बोली, बाबा जी, पर बाबा जी तो ध्यान मग्न थे और ये दादी अम्मा बार बार बोल रही है, बाबा जी ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा जी का ध्यान खुला, बाबा जी बोले, मैया का है गो भजन काय नहीं करने दे रही है, बाबा मेरो छोरा मेरो पोता है, ना बोल सके बाबा ना देख सके, तुम बड़े साधु हो, बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसी कृपा करो कि हमारो छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था, संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की, परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं, हम इस उपकार को बिसरा देते हैं। भगवान शंकर बोले, बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसी के कान में जोर से फूंक मार के कहा, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसी जी बोलने लगे, राधे श्याम राधे श्याम। नरसी जी को संत ने कहा, बेटा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसी जी गाने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसी जी बड़ी श्रद्धा से राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गा रहे हैं। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई, छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा, बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसी जी बोलने लगे, देखने लगे, अब तो दिन भर राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपते नरसी। अब भौजाई ने देखा, राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे।
एक दिन भौजाई ने कहा, जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसी जी गए तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण राधे। सुबह से गए, सबको कीर्तन करा रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा, सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो। तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं, तो नरसी जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था, अब दो लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई, नरसी जी और नरसी जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते, और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता। अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो गई, नरसी जी बैठे घर में भजन कर रहे थे, जो काम देती भौजाई काम करने से पीछे नहीं हटते थे, काम करते जाते और राधे कृष्ण का जाप करते जाते। इसके बाद भी बासी रोटी दे दी। आज नरसी जी ने कहा, भाभी जी हमें एक दूध दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो भौजाई ने कहा, दूध दे दो, कुछ कमाते हो, बैठे बैठे खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई मरा जा रहा है और तुम बैठे बैठे बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। भौजाई ने जब ऐसा कहा, नरसी जी सचमुच घर से निकल गए। पास के जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बैठे हैं और कोई नहीं, शमशान चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। नरसी जी गए, चलते चलते थक गए, भगवान शंकर जी से लिपट कर नरसी जी रोने लगे और रोते रोते बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करा दो, हे भगवान शंकर मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तब नरसी जी ने कहा, नरसी जी, शंकर जी को रिझाने लगे, मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दो, हमें राधे कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का और श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए, बस हमें ये चाहिए। देखिए यहां से एक शिक्षा प्राप्त कीजिए, यदि भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं और शंकर जी का मंदिर आ जाए तो शंकर जी को देख करके मुंह मत घुमा लीजिएगा कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं और शंकर जी के मंदिर में कैसे जाएं, अपराध हो जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे। तो शंकर जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करो और शंकर जी से कहो, हे प्रभु आपके दर्शन का यदि आप फल देना चाहते हैं तो बस इतना फल दीजिए कि आपके दर्शन मात्र से मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, उनके चरणों में प्रीति हो जाए। आप यदि शंकर जी के भक्त हैं और आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं तो आप यही कहें, हे श्याम सुंदर हमारे शंकर जी के चरणों में हमारा मन लग जाए, हमें उनका दर्शन हो जाए। मुकु और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। सुंदर भगवान शंकर बोले, नरसी भगवान कृष्ण का दर्शन वैसे जल्दी से होता नहीं है, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। अब नरसी जी को लेकर भगवान शंकर गौलोक धाम चले गए। जब गए तो वहां श्याम सुंदर राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे, रास चल रहा था। नरसी जी और शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे भोलेनाथ
आप आए हैं, पर ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है, शरीर के साथ यहाँ इसे क्यों लाए हैं? शंकर जी ने कहा, प्रभु ये बहुत बड़ा आपका भक्त है, इसलिए इसको लाया हूं। नरसी जी ने भगवान का दर्शन किया, नरसी जी चरणों में गिर पड़े, दर्शन देकर हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, बेटा नरसी अब तुम अपने मृत्यु लोक में वापस जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, जाओ लोगों के पतन से उन्हें बचाओ, भगवान का नाम सुनाओ, मेरी कथा सुनाओ और उनको पतन से बचाकर मेरे धाम को पहुंचाओ, जाओ। नरसी जी बोले, प्रभु आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा प्रभु? भगवान बोले, देखो तुम मुझे छोड़ो मत, तुम मुझे सदा अपने दिल में रखो, हृदय में रखो और जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम भक्ति का प्रचार करो, लोगों तक मेरा नाम पहुंचाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, जाओ लोगों को, संसार में फंसे हुए लोगों को कथा सुना सुना कर मेरी ओर आकर्षित करो, तब उनका उद्धार होगा, जाओ। नरसी जी ने कहा, प्रभु कभी आपकी याद आई सो मैं क्या करूंगा? तब नरसी जी को भगवान ने केदार राग दिया और कहा, जाओ जब भी इस राग को गाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, नरसी जी केदार राग लेकर आए, भगवान ने अपने घुंघरू दे दिए, नरसी जी पांव में बांधकर भगवान का कीर्तन किया करते थे। अब नरसी जी आए वापस घर गए तो भौजाई ने फिर डांटा, फिर खाली हाथ आ गया भाई। भौजाई ने नरसी जी को अलग थलग कर दिया। नरसी जी की एक बेटी हुई, नरसी जी ने अंजार नगर में बड़े आदमी के घर अपनी बिटिया का बाई का विवाह कर दिया, नाम था नानी बाई, नानी बाई का विवाह कर दिया, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। अब हुआ क्या कि बाई की बेटी हुई, अर्थात नरसी जी की बेटी हुई और जब वो सयानी हुई तो उसका विवाह फिक्स हुआ, तो वहां से मायरा की चिट्ठी आई, नरसी जी नानी बाई की सास और सास की सास और देवर नारायण सब ने लिखा, नरसी जी के लिए ये लिखो, नरसी जी ये लेके आए, सवा मन सोना, सवा मन चांदी, सवा मन ये, सवा मन, इतना सामान लिखा। अब नरसी जी ने पढ़ा, मायरा इतना सामान। नरसी जी वो चिट्ठी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी, प्रभु आप जानो, आपकी चिट्ठी जाने, बेटी आपकी है, मायरा आपको भरना है, मैं तो आपको जानता हूँ, आगे आप सब जानो। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे। अब नरसी जी को याद आया कि मेरी एक ही बेटी है मायरा भरने के लिए, चलो मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो लेकर चलूं। विवाह का समय नजदीक आया, नरसी जी ने अपने भाई से कहा, भैया हमें गाड़ी बैलगाड़ी दे दो तो हम जाएं, भात भर के आएं, मायरा भर के आएं। भाई ने कहा, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, तो पड़ोसियों से कहा, भैया कोई गाड़ी वाड़ी हो तो दे दो। पड़ोसियों ने बहाना बना दिया, गाड़ी तो नहीं है पर चक्का है, गाड़ी का पहिया। अच्छा एक पहिया है, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, एक पहिया हमारे पास है। तीसरे ने कहा, गाड़ी हमारे पास है पर पहिया नहीं है। नरसी जी ने किसी से पहिया लिया, किसी से गाड़ी लिया और किसी से कहा, भैया बैल दे दो, अब गाड़ी चलाए कौन? तो आदमी ने बैल ऐसे दिए बिल्कुल बीमार। अब नरसी जी तो बैलों को गाड़ी पे लगाते हैं, बूढ़े बैलों को, और गाड़ी पे गोपी चंदन, तुम्बा और तुम्बी भरी और
नरसी के संग 8-10 सूरदास जी रहा करते थे। उनको लगता था नरसी के साथ रहेंगे बढ़िया चक्क खाने को मिलेगा, तो नरसी के पास वो खाने के लिए पड़े रहते थे। नरसी जी भजन करते थे तो कोई भी चढ़ावा दे देते था, उनके खाने का जुगाड़ हो जाता था। अब उस गाड़ी में वो 10 अंधे और लद गए। एक तो गाड़ी टूटी, ऊपर से बैल बुढ़े, ऊपर से 10 और 11वें नरसी। अब गाड़ी चली, अब गांव के लोग बड़े हंस रहे हैं, लो मायरा भरने जा रहे हैं। और मायरा में भरोगे क्या, गोपी चंदन लेके जा रहे हैं। वही साधु के पास क्या है, चंदन ले गए, तुम्बा तुम्बी ले गए और चले। जैसी नरसी जी की गाड़ी जंगल में पहुंची, थोड़ी सी ढलान थी और ढलान थी तो गाड़ी में वजन ज्यादा था, बैल दौड़े तो वो इतनी ताकत नहीं थी दौड़ सके, वो बैल गाड़ी छोड़कर के भाग गए। अर्थात ऐसा जोर लगाया कि गाड़ी उनकी रस्सी रस्सा खुल गया, वो अलग गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती बिना बैलों की चलने लगी और एक पत्थर से टकराई, एक पहिया जाके यहाँ गिरा, एक पहिया जाके यहाँ गिरा, सारी गाड़ी गिरी और जितने लोग बैठे थे वो नीचे हो गए, गाड़ी ऊपर आ गई। अब नरसी जी बोले, हे भगवान, रात का समय है, अब कैसे जाएं? और जब गाड़ी टूटी तो नरसी जी ने भगवान को याद किया, हे श्याम सुंदर, आपने अर्जुन की गाड़ी संभाली है, आज मेरी गाड़ी संभालो। मेरी गाड़ी टूट गई। जब भक्त ने आधी रात को बुलाया तुरंत भगवान की नींद खुली। रुक्मणी जी ने कहा, कहां जा रहे हैं? बोले, मेरे भक्त की गाड़ी टूट गई। अरे तो विश्वकर्मा जी को भेज दो। भगवान बोले, ऐरे गैरे नच्छू खैरे की गाड़ी टूटे तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। स्वयं भगवान दौड़ गए, विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा वो तुम्हारी गाड़ी सुधारने का सामान देना, हथौड़ी दो, हमें कील दो, गाड़ी सुधारनी है। विश्वकर्मा बोले, सरकार मुझे आज्ञा दे दो ना। अब नरसी जी वहां गाड़ी टूटी है वो बैठे हैं और भगवान आ गए। दूर से आवाज लगा रहे हैं भगवान। भगवान कहने लगे, भैया रुको रुको रुको। नरसी जी बोले, कौन है? तब तक भगवान आ गए। नरसी जी बोले, तुम कौन? मेरो नाम गोविंद है। अच्छा, गोविंद तुम ही हो? हाँ। तो नरसी जी बोले, हम क्या सेवा करें? भगवान बोले, हमें अंजार नगर जाना है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी में हमें जगह दे दो। नरसी जी बोले, लो गाड़ी हमारे पास होती तो हम ही ना चले जाते, देखो हम नीचे बैठे हैं, गाड़ी हमारे ऊपर है, ये गाड़ी है। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, सुरया सगला पीठ थपेड़े, खूब पीठ थपेड़ रहे हैं, अर्थात सब बासी दे रहे हैं, पीठ पे हाथ फेर रहे, वाह वाह बहुत सुंदर, अच्छी गाड़ी बनाई है, अच्छी गाड़ी चलाई है। अब भगवान जा रहे हैं और विमान की तरह गाड़ी चली। सवेरे होने के पहले भगवान ने अंजार नगर में गाड़ी खड़ी कर दी। बाबा ये रहा तुम्हारा नगर, ये रही तुम्हारी गाड़ी, अब हमें जाने दो, हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं, हम उनके घर जाके स्नान ध्यान करेंगे, कह के भगवान चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भक्त पर संकट आया तो गाड़ी बनाने भी आए और नानी बाई का मारा भरने के लिए भी भगवान आए।
सारी दुनिया कृष्ण को चोर 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 माखन चोर 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 कहती थी, जब से नरसी जी का मायरा भरा तब से ठाकुर जी को सांवरिया सेठ लोग कहने लगे। अब तो सेठ बन गए हैं। अरे कोई ऐसे थोड़ी सेठ बनता है, पहले दो तब सेठ कहलाओ। अब देना कुछ नहीं हो सेठ कहेगा कौन। जब से भगवान ने नरसी जी का मायरा सोना चांदी बरसाया है ठाकुर जी ने, तब से लोग ने उन्हें सांवरिया सेठ कहने लग गए। प्रिय भक्तों, भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। नरसी जी के यहां मायरा भरने आए, गाड़ी बनाने आए, ये भी तो भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में इन अवतारों की गणना तो नहीं है, ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। आपकी और हमारी रक्षा के लिए भी कई बार भगवान अवतार लेकर आते हैं और हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। हमारे जो रक्षक हैं कौन हैं? भगवान ही तो हैं। इसलिए हम सभी के रक्षक भगवान हैं, इसलिए सदा उनको ही याद करें, उनका ही स्मरण करें।